फाइनली अब टाइम आ गया है बटरफ्लाइज तो तुम्हारी एक नई जर्नी की शुरुआत, यस न्यू खुशखबरी। नहीं नहीं करके आए हैं, क्या पहना है ये? और ले हटाना है, हटाना है। अच्छा ठीक है, हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो और प्यार से हटा दो। तो आज हम जा रहे हैं रुहान के वैक्सीनेशन के लिए। आज ये बहुत होने वाला है क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि दो एक से दो साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अरे रे, एक स्टीम्ड एप्पल खा रहा है रुहान, आज रोएगा नहीं ना ज्यादा। तो इस बार हम दोनों थोड़े से बहुत ज्यादा वैसे हैं, थोड़ा सा डरे हुए हैं क्योंकि जब डॉक्टर ऐसा बोल देते ना कि एक से दो साल बहुत और बड़ा हो गया समझ रहा है। लास्ट टाइम जब गए थे उसका वैक्सीनेशन नहीं था। रुहान रुहान जूस पापा जूस पी रहे हैं। ये प्यारी लगी है हमारे आउटफिट्स में, हाँ है ना मम्मा बोला पापा भी बोल दिया। तो फाइनली ये पता चल ही गया है कि जीविका सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है, लेकिन वो अभी अपनी सेकंड प्रेगनेंसी को हाइड कर रही हैं और जल्द ही अपने फैंस के सामने वो अनाउंस भी करने वाली हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि दीपिका प्रेग्नेंट नहीं है और ये सब जो है झूठ है, अफवाह है। तो देखिए इसके बारे में सच्चाई तो दीपिका खुद ही बताएंगी। आने वाले दिनों में दीपिका अपने फैंस को इस बारे में क्लियर कर देंगी कि हाँ वो प्रेग्नेंट है या नहीं। लेकिन हमारा तो यही कहना है अगर दीपिका प्रेग्नेंट है तो अल्लाह ताला उनकी सेहत अच्छी रखे, उनके आने वाले बेबी को भी अच्छा रखे और जो है हमारे प्यारे रुहान को भी अल्लाह ताला अच्छी सेहत अता करे। अगर आप भी दीपिका और शुएब के व्लॉग इसी तरह देखना पसंद करते हैं गाइस, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।